बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क नाउ। क्लास टू, टुडे वी विल डू द रिविजन ऑफ आवर टॉपिक फाइंड द मनी लेफ्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन इंडेक्स। Find the money left. Write down the index. Find the money left and write down the date by yourself. Then on a new page, write down revision and date and mention date by yourself. Class 2, we had already completed this topic in our maths countdown book. Today we will do revision of this topic in our maths copy. So first of all, write down the heading on find the money left. बेटा अब आपको जो है टू अमाउंट्स गिवन हैं क्योंकि अमाउंट क्यों मैंने कहा, क्योंकि रुपीस में है बेटा, इसका मतलब ये डिफरेंट अमाउंट है, किसी भी चीज़ की अमाउंट हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदने जाते हैं, किसी चीज़ कोई सर्विस देता है तो उसकी पेमेंट होती है। कोई भी चीज़ जब बात होती है मनी की तो उसके साथ हम रुपीस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट अमाउंट्स हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, मनी लेफ्ट, मतलब जो हमारे पास टोटल मनी गिवन है उसमें से जो मनी सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो मतलब आंसर आएगा, जो उसका आंसर आएगा वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो आपने बताना है, मतलब टू अमाउंट्स आपको गिवन है, आपने इनका डिफरेंस जो है बेटा लेना है, जितना अमाउंट बचता है। मतलब कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं, आपको पता है आप जो है ख़रीदने जब जाते हैं कोई चीज़ तो आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर आप जब पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपके पास से पैसे कम हो जाते हैं क्योंकि आप पे कर देते हैं पैसे। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट जो है टू वैल्यूज़ गिवन है, आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और जो मनी लेफ्ट है मतलब खर्च होने के बाद या किसी को देने के बाद या किसी भी काम के बाद जो मनी अब बची है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, ये बेटा सम्स की तरह, जिस तरह हमने फाइंड द टोटल कॉस्ट कंप्लीट किया था, मतलब दो हमें अमाउंट गिवन थी उनमें हमने टोटल फाइंड किया था, इसी तरह यहाँ पे आपको सम्स की तरह ही गिवन है, आपने मनी जो है जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम्स नंबर 1। 0 - 5, बेटा बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, या अगर 0 के नीचे 2 है तो 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। जब 0 होता है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोरो नहीं करते, क्यों बेटा, जब 0 है तो जिस तरह 2 में से या किसी और छोटे नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसी तरह आप 0 में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 0 जो है वो 5 से स्मॉलर है, 0 5 से स्मॉलर है। जब आपके पास कोई अमाउंट ही नहीं है, मतलब 0 का मतलब है आपके पास कोई पैसे ही नहीं है, 0 1 से आपके पास, तो आप किस तरह 5 जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अब आप जो है टेंस के कॉलम्स में से बेटा बोरो करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोरो करेंगे, यू विल टेक 1 tens फ्रॉम टेंस साइड, 6 tens आर लेफ्ट ईयर, 1 tens। 1 tens का मतलब है बेटा हमें यहाँ पे 10 जो है बराबर वाले जो कॉलम है, बराबर वाला जो हमारा टेंस का कॉलम है, वहाँ से हमें 1 tens बोरो मिल चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब हमारा जो नंबर है वो 10 बन चुका है। क्या बन चुका है, 10। अब जो है 10 इज ग्रेटर देन 5, यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 नाउ, यू कैन सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10। ओके, ऑल ऑफ यू ओपन योर फिंगर्स, काउंट टिल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम इट, 1 2 3 4 5, हाउ मैनी आर लेफ्ट, 1 2 3 4 5, 5 इज लेफ्ट हियर, देन 6 - 3 वेरी इजी, 1 2 3
फोर फाइव सिक्स, सब्ट्रैक्ट थ्री, वन टू थ्री, हाउ मैनी आर लेफ्ट, वन टू थ्री आर लेफ्ट. कॉपी डाउन रुपीस एज इट इज बिकॉज दीज वैल्यूज़ आर गिवन इन रुपीज़. ठीक है, ये जो है रुपीज़ में गिवन है, ये मनी की वैल्यू है, तो आपने रुपीज़ यहाँ पे लाजमी लिखना है. देन कम ऑन न्यू सम्स. 42 रुपीज़, 42 माइनस रुपीज़ 16, मतलब आपके पास 42 रुपीज़ हैं, आपने किसी चीज़ में खर्च की है या किसी को दे दिया है या कहीं पे भी आपने जो आपने खर्च कर दिए हैं वो है रुपीज़ 16. अब आपने फाइंड आउट करना है कि 42 में से 42 रुपीज़ में से जब आप 16 रुपीज़ को लेफ्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा. तो 2 माइनस 6, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 2 बिकॉज 6 इज स्मॉलर दैन 2. यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट स्मॉल बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर. सो वॉट यू विल डू, यू विल टेक बोरो फ्रॉम 10 साइड. ओके, वी विल टेक बोरो फ्रॉम 4. 3 आर लेफ्ट हेयर, 3 आर लेफ्ट हेयर, 1 टेंस हमें यहाँ पे बोरो मिल गया है. ठीक है, नाउ 12 माइनस 6, ऑल ऑफ यू काउंट 12 फर्स्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Subtract 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many are left? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are left. All of you write down 6. Then 3 minus 1. 1, 2, 3. Subtract 1. How many are left? 1, 2. 2 is left. Write rupees as it is. Okay, then come on our new sums. Rupees 67 minus rupees 39. Rupees 67 आपको given है, उसमें से आपने rupees 39 subtract करने. Now 7 minus 9. You cannot subtract 9 from 7. So what you will do? You will take borrow from 10 side. 5 are left here. 1 is borrow. It will become 17 now. 17 minus 9. Now all of you count 17 with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, now subtract 9. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many are left? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 are left here. Then 5 minus 3. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 3. 1, 2, 3. How many are left? 1, 2. 2 are left. It means my rupees 67 minus rupees 39 equal to rupees 28. Now move on to the next sums. Rupees 85 minus rupees 48. Okay, all of you count. Sorry, you cannot subtract 8 from 5. What you will do? You will take borrow from 10 side, that is 8. 7 are left here and it will become 15. Now 15 minus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many are left?
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन इज लेफ्ट हेयर, देन सेवन माइनस फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन माइनस फोर, वन टू थ्री फोर, हाउ मैनी आर लेफ्ट, वन टू थ्री, थ्री आर लेफ्ट हेयर, राइट डाउन थ्री, देन राइट रुपीज. ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स. रुपीज 94 माइनस रुपीज 25. यू कैन नॉट सेपरेट 5 फ्रॉम 4 बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 4. यू कैन नॉट सेपरेट और टेक 5 फ्रॉम 4. सो वॉट यू विल डू, यू विल टेक बोरो फ्रॉम 10 साइड, दैट इज 9. 9 इज हियर, 8 आर लेफ्ट हियर एंड इट विल बिकम 14. Then 14 minus 5. All of you count 14 with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Count, subtract 5 from 14. 1, 2, 3, 4, 5. How many are left? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 are left here. Then 8 minus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minus 2, 1, 2. How many are left? 1, 2, 3, 4, 5, 6 are left here. Right rupees. Then rupees 58 minus rupees 19. Can you subtract 9 from 8? No. 9 is greater than 8. You cannot subtract 9 from 8. You will take borrow here also. 4 are left here. 1 is borrow. Now it is 18. Okay. Now we will subtract 9 from 18. 1. Count 18 with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Now subtract 9 from 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now how many are left? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 are left here. Write down 9. And 4 minus 1. 1, 2, 3, 4. Minus 1, subtract 1. 1, 2, 3. 3 are left. Write down 3. Rupees 39. Our answer is rupees 39. Beta, jo बड़े डिजिट के नंबर थे जैसे 18, 17 और इसके अलावा कोई भी हो सकता है, 16 हो सकता है, जो 15 से बड़े होंगे, अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर आप ब्लॉक्स यूज़ करते हैं अपने हाथ पे जितने ब्लॉक्स के बने, तो आप 15 तक एक हाथ से कर सकते हैं. फिर आपको अगर कोई बड़ा नंबर आता है 16 या 17, तो आपको दूसरा हाथ बेटा यूज़ करना पड़ता है, तो आप काउंटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत ध्यान से जिस तरह मैंने आपको करके दिखाई है, अभी वीडियो में माइनस करके दिखाया, इसी तरह माइनस करेंगे. बहुत सारे बच्चे बेटा टेस्ट में ये चीज़ इस मतलब बड़े नंबर्स में, बड़े डिजिट के अगर नंबर्स आ जाते हैं तो उसमें मिस्टेक करते हैं. तो आपने मिस्टेक नहीं करनी है, आपने कॉन्सेंट्रेट करके काम करना है. जिस तरह अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि अगर 15 है, 15 यहाँ पे स्टॉप हो गया, देन 16, 17, 18, जैसे यहाँ पे 18 आया, तो अब पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी. माइनस माइनस 9 था, 1, 2, 3, पहले मैंने इस हाथ के 9 जो है ब्लॉक्स को काउंट कर लिया है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. देन हाउ मैनी आर लेफ्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 7, 8, 9. 9 आर लेफ्ट हेयर. तो इसी तरह आप भी कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन योर मैथ्स कॉपी इन वेरी गुड हैंड राइटिंग. यू मस्ट मैंशन टूडेज डेट एंड मस्ट राइट रिविजन. ओके, कॉपी डाउन दीज सम्स,
वेरी प्रॉपरली एंड डू वेरी गुड हैंड राइटिंग. ओके, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़ क्लास 2.